अपने बैंक का ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ देखिए ये मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया और यहाँ पर आपको गूगल में टैप करना है जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है फिलहाल मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो मैं फ़िलहाल मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखाने वाला हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेता हूँ एस बी आई लॉगिन देखिए ये मैंने एस बी आई लॉगिन डाला देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एस बी लॉगिन करके डाला है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में क्लिक करना है इस वाले पर आपको क्लिक करना है तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ देखिए ये खुल के आ गया दोबारा यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यू टू लॉग इन देखिए यहाँ पर आ रहा है हमें दोबारा से इसको ओपन कर लेना है चलिए मैंने ओपन कर लिया अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है यहाँ पर पासपोर्ट डालना है और यहाँ पर ये यह जो कैप्चर कोड है ये यहाँ पर हमें फिल करना है तो ये अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड है तो आप बड़ी आसानी से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन अगर आपके पास नहीं है इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा लॉगिन पासवर्ड के लिए फ़िलहाल मेरे पास ए, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम डाल लेता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम डाल लिया और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया यहाँ पर देखिए मैंने यूज़र नेम डाल लिया पासवर्ड भी डाल लिया और ये कैप्चर कोड भी डाल लिया यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें सिंपली यहाँ पर लॉगिन करना है तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ देखिए ये मैंने लॉगिन कर लिया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ गया देखिए मेरे अकाउंट का अब यहाँ पर हमें एक ओ आएगा हमारे मोबाइल में वो ओ हमें यहाँ डालना है चलिए मैं ओ डाल के फिर आप लोग को बता देता देखिए यहाँ पर मैंने अपना ओ डाल लिया और यहाँ पर हमें सिंपली सबमिट करना है देखिए ये मैंने सबमिट कर दिया और ये मेरा अकाउंट खुल के आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मैं अपना बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ और यहाँ से हमें लास्ट दस ट्रांजेक्शन चेक कर सकता हूँ और यहाँ पर जब आप ये देखिए अकाउंट समरी भी आ गई यहाँ पर देखिए ये जो ये जो देखिए ती थ्री लाइन आए यहाँ पर हमें क्लिक करना है चलिए स्टेटमेंट निकालने के लिए तो मैं यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए माय अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं ये माय अकाउंट प्रोफाइल एक्स ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन खुल के आ गए अब यहाँ पर देखिए अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रखा है ये देख सकते हैं आप ये अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है अकाउंट स्टेटमेंट पे देखिए मैंने क्लिक कर लिया अब यहाँ पर देखिए आपकी अकाउंट की डिटेल आ जाएगी देखिए ये मेरा अकाउंट नंबर है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आपको जो स्टेटमेंट निकालनी है यहाँ पर देखिए बाय डेट से निकाल सकते हैं बाय मंथ से निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दे रखा है बाय डेट बाय मंथ या फिर लास्ट सिक्स मंथ का या फिर फाइनेशली एयर मतलब आप पूरे साल का भी निकाल सकते हैं डेट से भी निकाल सकते हैं और महीने का और छः महीने का भी निकाल सकते हैं फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक महीने का निकाल के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें डेट डालना है और यहाँ पर एंड डेट डालना है मतलब कब से मुझे कब तक का स्टेटमेंट चाहिए तो ये यहाँ पर मैं आप डेट डाल के यहाँ से कर सकता हूँ तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाने के लिए चलिए ये मई चल रहा है तो ये अप्रैल है तो मैं एक अप्रैल से और यहाँ लास्ट मई तक आज तेईस मई है तो तेईस मई तक का मैंने डाल दिया है और यहाँ पर देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन आया होगा देखिए ये मैंने डाल दिया तेईस मई और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास तीन चार ऑप्शन है यहाँ पर है ये जो है आप यहाँ ये इसको देख सकते हैं आपको लोड नहीं करना सिर्फ आप देख सकते हैं ये आपको अगर पीसी में चाहिए तो डाउनलोड एमएस एस एक्सएल पर ये ले सकते हैं आप अगर आपको अपने मोबाइल में देखना है तो ये पीडीएफ में आपको करना पड़ेगा तो चलिए मैं ये पीडीएफ में कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड पर पेज आपको जिस जिस रिकॉर्ड से पेज चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम गो पर क्लिक कर देंगे थोड़ा सा वेट करना है अब देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो गया है देखिए ये आ गया देखिए ये मेरा स्टेट बैंक का लोगो भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर मेरा नाम है और यहाँ पर पूरी एड्रेस पूरी डिटेल आएगी आपकी और यहाँ से आप पूरे एक महीने का मेरा स्टेटमेंट देख सकते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपना स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसान है आपको पर आपके पास यूज़र आई पासवर्ड होना चाहिए वो आपको बैंक में फ्री में मिल जाएगा इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको और कई बार ऐसा होता है हमें सबमिट करना पड़ता है कहीं पर बैंक स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए भी ये वायलेट है अगर आप इसको एड्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के बैंक स्टेटमेंट कई बार हमें कई जगह ज़रूरत पड़ सकती है तो बहुत आसान है अगर आप निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर वाकई वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में